छावा के एक दिल इलाके में नेशनल हाईवे 2 को गुस्साई भीड़ ने घंटों के लिए बंद कर पूरा मामला एक दिल थाना क्षेत्र के नहर के पुल का है, जहां कल पिता के डांटने पर युवक ने नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली। पिता ने बताया कल देर रात में डांटने से अनुज 10 बजे घर से चला गया था। अनुज ने 11 बजे फोन करके बताया कि मैं नहर में कूद कर आत्महत्या कर रहा हूँ। जैसे ही हम मौके पर पहुंचे तो अनुज नहीं मिला, अनुज की बाइक मिली, जिसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देर रात की वजह से युवक को नहीं ढूंढा, जिससे सुबह पुलिस से नाराज गुस्साई भी ने नेशनल हाईवे को घंटों के लिए बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने गुस्साई भीड़ को समझाकर नेशनल हाईवे 2 को खुलवा दिया। पुलिस ने नहर में कुछ दूरी पर युवक की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इटावा से संजीव कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। यहाँ नहर के पुल के पास भीड़ लगी है, सुना गया एक युवक डूब गया है कल देर रात का, पूरा मामला क्या है, आप क्या मदद करेंगे? मदद तो गोताखोर आए हैं, जा ना रहा है, जो भी प्रशासन मदद कर रही है, यहाँ के जिनका युवक डूबा है वो कह रहे हैं कि कल देर रात से युवक डूबा है और अभी तक पुलिस की तरफ से प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, क्या होगा प्रदेश में और योगी सरकार है? सवेरे आप आए तब से ये बात यहाँ दिखाई दे रही, कोई नहीं आया, जब से आप आए तभी से ये व्यवस्था बनी है। युवक डूबने का मामला प्रकाश में आया, क्या है ये पूरा मामला? ये बच्चा है अनुज तिवारी नाम है उसका, और ये कल रात में करीब 10:30-11 बजे तिलखन नहर में डूबने की खबर मिली थी। तत्काल फोर्स भी आ गई थी और रात में 3-4 बजे तक प्रयास भी होता रहा है, और उसके बाद फिर सुबह की हमारे प्रशासन की अधिकार भी आ गए, हम भी आ गए थे और गोताखोर वगैरह खुलवा के और सारी व्यवस्थाएँ करके खोजबीन की गई, और दुर्भाग्यवश उसकी डेड बॉडी तिलखन नहर से 1.5 किलोमीटर करीब आगे बरामद हो गई। आखिर क्या कारण था उस युवक का नहर में डूबने का? अभी ये कोई जानकारी नहीं मिली है, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई है, चलाने के लिए दे दिया है। अब चूँकि घटना हुई थी इसलिए ज़्यादा परिजनों से उनसे बात भी नहीं कर पाए हैं, अब उनके परिजनों से बात कर ली जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उससे आप अवगत करा दिए। गाड़ी भी उसकी हुई बरामद हुई है? हाँ, उसकी मोटरसाइकिल है बरामद हुई है और एक चप्पल भी बरामद हुई है। भैया जिस तरह से आपका युवक कल देर रात से गायब है, लगभग बताया जा रहा है 10-11 बजे से गायब है, पुलिस को आपने सूचना भी थी, पुलिस का रवैया क्या रहा? पुलिस को दे लेकर उसने कुछ यही बैठी रही दिया कुछ। लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, पुलिस की तरफ से अभी तक गोताखोर वगैरह मुहैया कराए गए व्यवस्था बनी, ताकि पहले कोई व्यवस्था नहीं कतई नहीं, प्रशासन तो ऐसे ही घूमता रहा कुर्सी डाली बैठा। अगर समय रहते पुलिस यहाँ आ जाती तो क्या युवक में हमको बताए रहे भगवान कामयाबी मिल जाती? हाँ, लास्ट तो मिल ही जाती, ये बात तो सत्य है। क्या बजे हुई थी वैसे रात? ये घटना है रात के 11 बजे से
क्या बात हुई थी जिसकी वजह से? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कोई वाद न विवाद, हम ही नहीं लगवाए डाटो का बस, और कोई बात नहीं। अच्छा, पता चला कोई ऐसी बात नहीं, जो है हमने पता चला था बाइक से गया था, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल बाकी खुद है हमेशा रखा था।